अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपकी शादी कब होगी तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए देखते हैं कौन सी राशि के लिए 2025 में शादी के बंधन में बंधने वाले योग बन रहे हैं। मेष राशि, 2025 में जुपिटर का मेष राशि में ट्रांजिट होने वाला है। ये ट्रांजिट आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएगा। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो इस साल आपके लिए शादी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जुपिटर का ब्लेसिंग आपको कमिटमेंट देने में हेल्प करेगा और रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म बनाएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए भी 2025 शादी का साल हो सकता है। शुक्र का प्रभाव जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है आपको रोमांटिक और कमिटेड बनाएगा। इस साल आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए सैटर्न और जुपिटर का पॉजिटिव प्रभाव आपके रिश्ते को शादी तक ले जा सकता है। आपके प्रैक्टिकल नेचर के बावजूद इस साल आपको इमोशनल सिक्योरिटी मिलेगी और अपने रिश्ते को नेक्स्ट स्टेप तक ले जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। मकर राशि, मकर राशि के लोगों के लिए सैटर्न का स्ट्रॉन्ग प्रभाव 2025 में मैरिज के योग बना रहा है। आपका डिसिप्लिन और फोकस्ड अप्रोच इस साल आपको लव लाइफ को स्टेबलाइज करेगा और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो इस साल शादी होने के चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए वीनस का प्रभाव और जुपिटर का आशीर्वाद इस साल शादी के योग बना रहा है। आप अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस होंगे और आपके रिश्ते में क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ये साल आपके लिए शादी करने के लिए परफेक्ट होगा। मीन राशि, 2025 शादी के लिए अनुकूल हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए जुपिटर जो आपका रूलिंग प्लेनेट है आपको इमोशनल और स्पिरिचुअल सपोर्ट देगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं तो इस साल आपके लिए कमिटमेंट का परफेक्ट योग बन रहा है। 2025 कई राशियों के लिए शादी के योग बना रहा है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ सीरियस रिलेशनशिप में हैं तो इस साल शादी के बारे में सोचना परफेक्ट समय है, क्योंकि इस साल दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोचर हो रहे हैं, जुपिटर का वृषभ राशि में ट्रांजिट और शनि का मीन राशि में ट्रांजिट। प्लैनेट्स का ये प्रभाव आपको आपके रिश्ते को नेक्स्ट लेवल ले जाने में हेल्प करेगा। अगर आपको ये प्रेडिक्शन यूजफुल लगा तो लाइक करें, और आपकी शादी से जुड़ी और कोई अपडेट जानना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कोई अपडेट जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्णा।